बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन को प्रवर्तन निदेशालय कुर्क कर सकता है। इस कंपनी से करोड़ों रुपए का लेन देन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी के खातों में हुआ है। साथ ही मुख्तार के साले सरजील के खातों से भी लेन देन का पता चला है। ईडी के पास कंपनी को कुर्क करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिल चुके हैं। किसी भी समय ईडी विकास कंस्ट्रक्शन को अटैच कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय प्रयागराज की टीम कई दिनों से माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी से पूछताछ कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से रिमांड ले लिया गया है। कस्टडी रिमांड की अवधि 13 नवंबर को पूरा होने के बाद ईडी की अर्जी पर न्यायालय ने अब्बास की कस्टडी रिमांड को 18 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा मुख्तार के साले सरजील को भी गिरफ्तार कर ईडी ने उसकी कस्टडी रिमांड ले ली है। अब्बास और उसके मामा सरजील से कई दिनों की पूछताछ के बाद ईडी को महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी को पता चला है कि विकास कंस्ट्रक्शन मुख्तार अंसारी की मुखौटा कंपनी है। इसके नाम पर मुख्तार के परिजन और उसके करीबी आपराधिक गतिविधियों से अर्जित होने वाले धन को सफेद करने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कई दिनों से पूछताछ के बाद भी अब्बास और सरजील ईडी के कई सवालों का जवाब नहीं दे सके हैं, जिससे यह शक जाहिर हो गया है कि विकास कंस्ट्रक्शन मात्र काले धन को सफेद करने का एक माध्यम है। प्रवर्तन निदेशालय ने विकास कंस्ट्रक्शन और मुख्तार से जुड़े कई और करीबियों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। इसमें से कई के विदेश भाग जाने की भी आशंका जताई जा रही है। ईडी ने गुपचुप तरीके से मुख्तार के करीबियों की प्रॉपर्टी और बैंक खातों को सत्यापन कराया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि मुख्तार के करीबियों की प्रॉपर्टी और रकम मुख्तार की है ही। वह अधिकारियों को भटकाने के लिए करीबियों और रिश्तेदारों के नाम से प्रॉपर्टी को खड़ा किया है। अब इन प्रॉपर्टी और रकम पर भी ईडी की नजर है। माफिया मुख्तार अंसारी का ससुर जमशेद रजा भी ईडी के रडार पर है। ईडी ने उसकी कंपनी आगास को भी निशाने पर ले लिया है। उसकी छानबीन शुरू कर दी है। आगास कंपनी के पार्टनरों को भी पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी चल रही है। इसमें से कुछ के बीमार होने और कुछ के विदेश दौरे पर होने की बात सामने आई है।